राधेश्याम, क्या ठाकुर जी से वृंदावन वास की कामना करना गलत है? जय श्री राधे। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है कि वृंदावन धाम का वास मांगना भी प्रेम में बाधा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वृंदावन धाम का वास आप किस लिए मांग रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। आप प्रिया प्रीतम से इसलिए वास मांग रहे हैं कि घर में माता पिता से झगड़ा होता है या भाई से झगड़ा होता है, राधा रानी वृंदावन में वास दे दें तो एक तो झगड़े से निपट जाएंगे, दूसरा वहाँ एक छोटी सी दुकान मिल जाए जिससे 25-50 हज़ार रुपये का धंधा होता रहे, तो हम धंधा भी करते रहेंगे, भजन भी करते रहेंगे। तो ये वृंदावन वास वृंदावन वास नहीं है। वृंदावन वास मांगना प्रिया प्रियतम के सुख के लिए, केवल और केवल हम भजन ही करेंगे, विशुद्ध भजन में हमारी दृढ़ प्रीति होगी और राधा रानी की शरणागति रहेगी। राधा रानी जो खिलाएंगी खा लेंगे, जो पिलाएंगी पिला लेंगे, और भूखा रखेंगी तो भूखा रह लेंगे। ये धाम निष्ठा जो है, ये मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका लेवल बहुत ऊंचा है। हम आप जैसे लोगों का अभी हो पाना बहुत कठिन काम है। देखिए, भजन को केंद्र में रखना है। भजन यदि हमारे केंद्र में है तो भजन के लिए हम कुछ भी करें वो भजन है, वो भजन का अंग है। जैसे मैं अपने शरीर को इसलिए स्वस्थ रखता हूँ, सर्दी में गर्म पानी से नहाता हूँ, अपने खान पान प्रसाद का ध्यान रखता हूँ, केवल इसलिए कि ये शरीर स्वस्थ रहे और मैं अधिक से अधिक भजन कर पाऊँ, अधिक से अधिक अपने ठाकुर को रिझा पाऊँ, अधिक से अधिक नाम संकीर्तन सत्संग ग्रंथ लेखन पाठन कर पाऊँ, तो यह शरीर को स्वस्थ रखना भी भजन का अंग है। और यदि मैं इसलिए शरीर को स्वस्थ रखूं कि मैं सुंदर दिखूं, मैं मोटा ना लगूं, मेरे को देखकर लोग आकर्षित हों, तो यही शरीर को स्वस्थ रखना भजन का अंग नहीं है। अंतर्निहित उद्देश्य क्या है? आप जो चीज़ मांग रहे हैं उस कार्य का उतना प्रभाव नहीं है जितना कार्य के पीछे जो निहित भाव है उस भाव का प्रभाव है। भजन के लिए कुछ भी मांगे वो भजन है, और शरीर के लिए, भौतिकता के लिए, दूसरी दूसरी चीज़ों के लिए यदि भजन भी करें तो वो भजन नहीं है। तो ये थोड़ा सा समझना है। जय श्री राधे, जय निताई।